अत्रैव सत्वात्मनिधिगुहायाम् अव्याकृत आकाश उरुप्रकाशः आकाश उच्चैः रविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्। अत्र एव सत्वात्मनिधिगुहायाम्, अपने ही हृदय में उसके आधार के रूप में अव्याकृत आकाशे, जो अव्यक्त आकाश है, उसमें प्रकाश के रूप में यह तत्व उपलब्ध है। आप ध्यान से सुनना, प्रकाश के रूप में कहा, फिर हमारी बुद्धि उल्टी हो गई। आप देखेंगे कई लोगों का यह चक्कर चलता है, हम ध्यान के लिए बैठे तो हमको प्रकाश दिखा और फिर वही हमको मालूम नहीं, हमको कुछ नहीं होता यह चक्कर। तो पूछा, स्वामी जी पता नहीं क्या हो गया आजकल, हमारे सामने प्रकाश वो बल्ब लाइट आता ही नहीं, क्या हो गया? हमने कहा यार बल्ब फ्यूज हो गया, वो बदल दो, एलईडी लगा लो, फ्यूज नहीं होगा। प्रकाश का अर्थ ठीक से समझो तो ये भ्रांति हट जाएगी। प्रकाश किसको कहते? जो प्रकाशित करता है वो प्रकाश है। अंधकार में एक मोमबत्ती को रखो तो बड़ी तेज दिखेगी, उसी मोमबत्ती को 12 बजे सूर्य प्रकाश में रखो तो उसकी कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि सूर्य प्रकाश उस मोमबत्ती के प्रकाश से ज्यादा तेज है। और आगे चले जाओ, सूर्य को कौन प्रकाशित कर रहा है? हमारी दृष्टि। अंधे के लिए सूर्य नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं, और इसीलिए हमारी आंखों की दृष्टि सूर्य से, सूर्य प्रकाश से तेज है। इसका अर्थ ये नहीं कि आंखों में से कुछ निकल रहा है, देखो। और आंखों की दृष्टि, आंखों का प्रकाश, इसको कौन प्रकाशित कर रहा है? मन का प्रकाश। और ये मन के प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? बुद्धि का प्रकाश। और ये बुद्धि के प्रकाश को चेतना, चेतना के प्रकाश को परमात्मा की अनंत शक्ति, इसको कहते हैं प्रकाश स्वरूप। नहीं तो कल्पना करेंगे, बैठे हैं, लाइट आया आया गया, क्या फ्यूज उड़ गया। एक आपको सिद्धांत बताते हैं, जो अनुभव आके चला जाता है ये मन का खेल है, जो कभी आया नहीं और कभी जाएगा नहीं वो आप हो। नहीं तो आधा घंटा मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। ये कोई अध्यात्म है कि अध्यात्म का कार्टून है? फिर ऐसे लोग दुनिया में गुडी गुडी होकर के रहते हैं। हम प्याज लहसुन नहीं खाते सबके सामने, चुप चुप के कहां फंसे है महाराज। मनुष्य जितना स्वयं को धोखा देता है और किसी को नहीं धोखा देता। वी चीट अवर सेल्फ द मोस्ट, बी सिंसियर टू योर सेल्फ। तो अव्याकृताकाशे उरु प्रकाशः, आकाश उच्च ही रविवत् प्रकाशते। तो जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ सचेत हो जाता है, उसी प्रकार से स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्, इसी परमात्मा के प्रकाश में संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। माने जब तक मैं हूं तभी तक दुनिया है।